नाउ स्टार्ट करते हैं. वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड. वो कह रहे हैं कि कहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच यूज होते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसके और पार्ट्स भी बनाए हुए हैं. वी लर्न दैट द प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस आर एटीपी एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन. हमने ये पढ़ा कि जब भी लाइट रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, एटीपी आता है, एनएडीपीएच आता है या ऑक्सीजन आता है. ठीक है, और इसमें से क्या होता है, जो O2 है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट से, वाइल एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ फूड एंड मोर एक्यूरेटली शुगर्स. मतलब कि अगर लाइट रिएक्शन हुआ है, एटीपी एनएडीपीएच और ऑक्सीजन बने हैं, तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोप्लास्ट से बाहर चला जाएगा और जो एटीपी एंड एनएडीपीएच हैं वो यूज हो जाएंगे किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ फूड के लिए. दे विल बी यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, मोर एक्यूरेटली शुगर्स बनाने के लिए. दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब आपके, तो इसको हम बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपका फूड सिंथेसिस हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, बायोसिंथेटिक फेज बोला. दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन. यानी कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता कि लाइट प्रेजेंट है कि नहीं, बल्कि वो किस पर डिपेंडेंट होता है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, कि जो लाइट रिएक्शन के, मतलब जो चीज़ें बन रही हैं लाइट रिएक्शन की वजह से, उन पर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, जैसे कि ATP and NADPH besides CO2 and H2O, ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है. You may wonder how this could be verified. अब आप बोलोगे कि इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time. अब आप बोलोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि जो ये लाइट रिएक्शन है, ये मतलब जो भी ये बायोसिंथेटिक फेज है, ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि उसके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है. तो उसने बोला कि जब लाइट अवेलेबल नहीं होती, जब लाइट नहीं मिलती, उसके बाद भी बायोसिंथेटिक प्रोसेस क्या करता है, कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहता है. ठीक है, उसके बाद बोला है कैन वी हैंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज अ डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर, डिस्कस इन अमंग योरसेल्फ. लेट अस नाउ See how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. अब हमें क्या देखना है कि जो ATP हैं या फिर NADPH हैं वो कैसे biosynthetic phase में use होते हैं. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce sugars. Sorry, इसमें क्या लिखा है कि हमने देखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन करती है ताकि क्या बना सके, शुगर बना सके और बाकी कुछ चीज़ बना सके. इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड और रेदर वॉट वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड वेन CO2 इज टेकन इन टू अ रिएक्शन और फिक्स्ड. मतलब साइंटिस्ट हमेशा से ये जानना चाहते थे कि जब प्लांट ने CO2 को ले लिया है या फर्स्ट टाइम वो CO2 को ले चुके हैं तो क्या आगे की चीज़ें हैं जो होती हैं. जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू beneficial use, the work of Melvin Kelvin is exemplary. मतलब World War II के बाद जब बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ करा गया, उसके बाद जो Melvin Kelvin थे उनका काम बहुत एग्जैम्पलरी था, मतलब बहुत ही अच्छा था. The use of radioactive C14 by him in algal photosynthesis. उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव C14 को यूज़ किया algal photosynthesis में. ठीक है, उन्होंने रेडियो एक्टिव C14 को algal photosynthesis मतलब एक रिएक्शन में यूज़ किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया. That led to the discovery. उससे ये पता चला कि आपका जो CO2 है वो क्या है, CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. कि जो जब CO2 fix होता है, जब plant CO2 को ले लेता है, तो उसके बाद जो पहला product बनता है, जो पहली चीज बनती है, वो क्या होती है, 3-carbon organic acid बनती है. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway. उसके बाद देखो, उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद और लोगों ने भी काम किया होगा, बट उसमें उन्होंने यही लिखा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया ताकि बाद में पता चले कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है. इसीलिए उनके काम की वजह से, उनकी डिस्कवरी की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं. द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वॉज अ 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड और इन शॉर्ट PG. जो पहली चीज़ हमें पता चली कि जो बनती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद, आपके जो मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं पूरा का पूरा और आपका एक शुरू होता है डार्क रिएक्शन, तो जो प्रोसेस फर्स्ट बनता है दैट इज 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फिर शॉर्ट PGA. ठीक है, 3-कार्बन ऑर्गेनिक एसिड या फिर उन्होंने क्या बोल दिया, इन शॉर्ट PGA. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला ऐसा क्या चीज़ था जो पता चला. इसका नाम केल्विन साइकिल क्यों पड़ा, क्योंकि मेल्विन केल्विन ने बहुत ही अच्छा वर्क किया था इस फील्ड में, इसलिए इसका नाम केल्विन साइकिल पड़ा. अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे.
लिखा है कि साइंटिस्ट ने ये भी पता लगाने की कोशिश करी कि सारे प्लांट्स में जो PGA है वो फर्स्ट प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का, या कोई और प्रोडक्ट भी बनता है दूसरे प्लांट्स के अंदर. ठीक है, हमें ये तो पता चल गया था कि पहला जो प्रोडक्ट बनता है जो आपका जब CO2 फिक्स होता है वो PGA होता है, लेकिन साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि सारे प्लांट्स में यही होता है या सब में अलग अलग होता है. Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plant where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid but one which had 4 carbons. देखो, सबसे पहले जो पता चला था उसमें पता चला था कि वो 3 carbon वाला है. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि scientists ने work किया और उन्हें पता चला कि जो पहला stable product बनता है CO2 fixation के बाद वो organic acid होता है, but जिसके अंदर क्या होते हैं 4 carbon होते हैं. ठीक है, पहले वाले में 3 carbon थे, इसमें 4 carbon थे. This acid, अब जो ये चीज़ पता चली कि कौन सी चीज़ है, this acid was identified to be oxaloacetic acid or OAA. इसको क्या बोला गया, oxaloacetic acid या फिर OAA. Since then, CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of two main types, those plant in which the first product of CO2 fixation is a C3 acid, the C3 pathway, and those in which the first product was C4 acid, that is C4 pathway. देखो क्या बोला कि हमें दो चीज़ें पता चली कि जब CO2 फिक्स होती है तो एक प्रोडक्ट सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था कि 3 कार्बन वाला. तो उन्होंने बोला कि इस बेसिस पे हमने दो पाथवे में डिवाइड कर दिया. ठीक है, पहला है C3 पाथवे जिसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, C3 पाथवे जिसके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं. ठीक है, PGA वाला. और दूसरा एक और पाथवे जो C4 पाथवे है जिसमें जो पहला प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है. These two groups of plant showed other associated characters that we will discuss later. अब इन दो टाइप के प्लांट जिसके अंदर C3 हो गया और C4 हो गया, उन्होंने और भी कई कैरेक्टरिस्टिक दिखाई थी जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद है द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2. लेट अस नाउ आवरसेल्फ अ क्वेश्चन दैट व्हाट आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शन. उस टाइम पे चीज़ें क्लियर नहीं थी तो उनको डार्क रिएक्शन और ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी. तो उन्होंने बोला हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड अ मॉलिक्यूल हैव विच आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन्स ऑफ PGA. मतलब उन्होंने बोला कि कितने कार्बन एटम ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल के होंगे कि जब वो एक्सेप्ट करेगा CO2 को उसके 3 कार्बन बन जाएंगे. देखो, हमने क्या पढ़ा, जब CO2 एक्सेप्ट होता है तो क्या बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, 3 कार्बन. तो वो कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है उसके अंदर पहले से कितने कार्बन होंगे कि वो 3 बना रहा है बाद में. द स्टडीज़ वेरी अनएक्सपेक्टेडली शोज दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वॉज अ 5 कार्बन कीटो शुगर. लेकिन देखिए, कायदे से लोगों ने सोचा होगा कि एक कार्बन मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो CO2, मतलब आपके CO2 या फिर दो कार्बन मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक कार्बन ऐड होगा और 3 कार्बन बन जाएंगे. लेकिन यहाँ पे बहुत अलग रिजल्ट आया था. पता चला था कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो एक 5 कार्बन कीटो शुगर है जिसको बोलते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट. क्या आया, RUBP, दैट वॉज राइबुलोज बिसफॉस्फेट. ठीक है, क्या किसी ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था? डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम इन कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन. मतलब इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि जो चीज़ बना रही है, जो भी चीज़ इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है और जो एक्सेप्टर है वो RUBP है, दैट इज़ अ 5 कार्बन कीटो शुगर, उसको पहुँचने तक टाइम लगा था. उस कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए टाइम लगा था. दे ऑल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज अ C3 एसिड द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी अ 2 कार्बन कंपाउंड. उन्होंने ये भी माना कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो एक C3 एसिड था. ठीक है, मतलब जो पहला प्रोडक्ट था वो एक C3 एसिड था. हमने पढ़ा ना कि 3 हमारा 3 कार्बन वाला है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी अ 2 कार्बन कंपाउंड. दे स्पेंड मेनी ईयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई अ 2 कार्बन कंपाउंड बिफोर दे डिस्कवर द 5 कार्बन RUBP. बहुत ईजी सी चीज़ बोली, मैं आपको दोबारा समझाना चाहूँगी उन्होंने क्या बोला है कि अगर CO2 जाके कहीं पे ऐड हो रहा है और फाइनली रिजल्ट आ रहा है 3 कार्बन कंपाउंड, तो साइंटिस्ट के दिमाग में था कि वो जो चीज़ जिसमें ये CO2 ऐड हो रहा है, जिसको ये CO2 एक्सेप्ट कर रहा है, वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा. लेकिन जब स्टडीज़ हुई, रिसर्च हुई, तो पता चला कि जो चीज़ एक्सेप्ट करती है CO2 को वो क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है, दैट वॉज RUBP. ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 6. नाउ वी विल स्टडी द केल्विन साइकिल इन द नेक्स्ट पार्ट. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपको 11th और 12th बायोलॉजी के और चैप्टर्स देखने हैं तो मेरे चैनल पे 11th 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिए. थैंक यू सो मच.